बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट दाऊद अहमद, आपकी खिदमत में हाजिर हूं लाहौर स्मार्ट सिटी की एक न्यू वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी के कमर्शियल्स के हवाले से, क्यों लाहौर स्मार्ट सिटी के कमर्शियल इन फ्यूचर आपको अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। बेसिकली अगर हम देखें, काफ़ी सोसाइटीज लाहौर के अंदर हमें डिफरेंट लोकेशंस पे देखने को मिलती है, डिफरेंट डेवलपर्स की सोसाइटीज देखने को मिलती है, लेकिन बेसिकली हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, लेकिन डिस्कस ज़रूर करेंगे क्यों लाहौर स्मार्ट सिटी ही बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के हवाले से। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो आता है इसका लोकेशन का है, क्योंकि लोकेशन अगर बात की जाए तो रिंग रोड इसके बिल्कुल साथ आ रहा है, जीटी रोड से इसको एक्सेस मिल रही है, लाहौर सियालकोट मोटरवे इसके बिल्कुल करीब है। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि लाहौर स्मार्ट सिटी से अगर आप डिस्टेंस देखें, पंजाब के दो बड़े जो शहर हैं गुजरांवाला और सियालकोट, जहाँ से काफ़ी लोग हम देखते हैं कि ओवरसीज हमारे क्लाइंट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा बाइंग उन लोगों की है। फर्स्ट पॉइंट तो ये कि काफ़ी लोग उन शहरों से सियालकोट और गुजरांवाला से लाहौर की तरफ काफ़ी तेज से शिफ्ट हो रहे हैं, उसकी वजह यही है यहाँ पे आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं, तो उनके लिए लोकेशन बेस्ट है। अगर उन्होंने अपने शहरों की तरफ जाना है तो उनको एक घंटा चाहिए होगा थ्रू मोटर पे, सियालकोट और गुजरांवाला को अप्रोच कर सकते हैं। तो इसलिए इस सोसाइटी के अंदर, लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर आपको आने वाले वक्त में बहुत तेज़ी से जो है आबादी पॉपुलेशन आती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से जितनी जल्दी ये सोसाइटी ग्रो करेगी उतनी जल्दी यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी। प्लस ये है कि इस सोसाइटी के पास कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जितना बड़ा लाहौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा कमर्शियल हब नहीं है जहाँ पे जाके लोग जो है शॉपिंग वगैरह कर सके, कोई ब्रांड्स आ सके। तो लाहौर स्मार्ट सिटी बेसिकली एक ऐसा हब बन रहा है, एक ऐसी सोसाइटी बन रही है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आने वाले वक्त में आपको ब्रांड्स जो है वो देखने को मिलेगी, उसके लिए कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल चाहिए थे जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी में आपको देखने को मिलते हैं। प्लस लाहौर स्मार्ट सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर वो आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको 400 फीट की मेन बुलीवार्ड देखने को मिलती है, 350 फीट की मेन बुलीवार्ड देखने को मिलती है, इसी के अंदर 225 फीट का कमर्शियल एवेन्यू देखने को मिलता है जहाँ पे 8 मरला कमर्शियल की लोकेशन आ रही है, 4 मरला कमर्शियल की लोकेशन बड़ी अच्छी दी गई है, जो सेक्टर के पार्क्स हैं उनके सामने आपको 4 मरला कमर्शियल देखने को मिलता है। नॉट सिर्फ ये, जिनका लो बजट है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 2.66 मरला कमर्शियल जिसकी प्राइस नहायत ही मुनासिब है, वो आपको 100 फीट रोड के ऊपर देखने को मिलता है, जिसमें हमारे पास कुछ ऑन ग्राउंड ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। और 225 फीट की रोड पे काफी कम ऐसी सोसाइटीज होंगी जहां पे आपने देखा होगा कि जो छोटे साइज में कमर्शियल होते हैं, छोटी कैटेगरी के कमर्शियल होते हैं, वो आपको मेन रोड पे देखने को मिले। तो यहाँ पे आपको 225 फीट रोड पे 2.66 मरला कमर्शियल भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा 6 मरला कमर्शियल की ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलती हैं। अगर हम देखें यहाँ पे बहरिया टाउन है, काफी अच्छी सोसाइटी है, DHA है, काफी बेहतरीन सोसाइटी है, लेकिन वहाँ पे रेट्स इस टाइम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जबकि उसके मुकाबले में लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट देखें तो ये एक मॉडर्न जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनने वाली सोसाइटी है। आने वाले वक्त में आपको, जिसका मैंने बताया कि इसकी एक्सेस बहुत अच्छी है, जीटी रोड से है, रिंग रोड से है, आपको 350 फीट की मेन बुलीवार्ड, 250 फीट की मेन बुलीवार्ड देखने को मिलती है। तो इन फ्यूचर अगर इसका रेट का कंपैरिजन किया जाए तो डेफिनेटली वो डेवलप्ड सोसाइटी है, लेकिन लोकेशन वाइज ये भी अच्छी सोसाइटी है और यहाँ पे आने वाले वक्त में आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है। मुनासिब रेट इस टाइम चल रहे हैं, एज कम्पेयर टू अगर एक साल पहले देखा तो यहाँ पे प्रॉफिट्स भी बहुत ज्यादा थे। 8 मरला में अगर हम देखें, आज से 2 साल पहले 1 करोड़ तक भी प्रॉफिट 8 मरला का गया था, 4 मरला का देखें तो वो कोई 60 लाख तक भी प्रॉफिट गया था, लेकिन अभी मुल्की हालात को देखते हुए, ओवरऑल सिनेरियोस को देखते हुए रेट्स जो हैं बहुत मुनासिब है, जबकि लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट ट्रैक पे हो रही है। तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी सोसाइटी भी आपको मिल रही है, अच्छी लोकेशन भी आपको मिल रही है, और इसके अलावा रेट्स आपको काफ़ी ज़्यादा मुनासिब मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इस टाइम मैं कहूँगा कि बेस्ट टाइम है लाहौर स्मार्ट सिटी में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करने का। थोड़ा रेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 4 मरला कमर्शियल आपको एग्जेक्टिव और ओवरसीज में दिए गए थे, जिसमें 89,50,000 की प्राइस है, 94,50,000 टोटल प्राइस आपको 4 मरला ओवरसीज की देखने को मिलती है। अब डिफरेंट प्लॉट्स हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं डेफिनेटली उनके रेट्स ज़्यादा हैं, जहाँ पे अंडर डेवलप एरिया उनके रेट्स थोड़े आपको कम देखने को मिलेंगे, जो सिर्फ नक्शे पे मौजूद है, मैप पे मौजूद है प्लॉट्स, उनके रेट्स और ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। फर्दर मूव ऑन करते हैं जी, 2.66 मरला कमर्शियल जो कि सबसे कम कीमत में आपको कमर्शियल देखने को मिलता है, उसकी टोटल प्राइस 69 लाख है, एग्जेक्टिव में ओवरसीज में जाती है तो 72 लाख
45,000 उसकी प्राइस है और आपको कम से कम 30% पेड के साथ भी ये कमर्शियल देखने को मिलते हैं और ऑन ग्राउंड भी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं जो लोग इंटरेस्टेड हों। फर्दर आ जाते हैं जी, इसमें आपको प्रॉफिट भी पे करना पड़ेगा डेफिनेटली एज पर लोकेशन, आपको चीज़ें वेरी करनी है। अगर अच्छी लोकेशन है तो उस पर थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा है, अगर आप लोकेशन थोड़ी पीछे आ जाती है जो चीज़ें ऑन ग्राउंड नहीं आई उन पर आपको रेट जो है वो कम भी मिल जाएंगे। फर्दर बात करें छः मरला कमर्शियल की, तो छः मरला कमर्शियल जो है आपको 1.68 लाख का देखने को मिलता है, उसमें भी 30% पेड के साथ हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं अच्छी लोकेशन पे जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं, रिमेनिंग 70% आपने इंस्टॉलमेंट पे ही पे करना है। फर्दर बात करें 8 मरला कमर्शियल की, तो 8 मरला कमर्शियल लाहौर स्मार्ट सिटी की सबसे हॉट प्रोडक्ट है क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत ही ज्यादा प्राइम है, 225 फीट रोड ओवरसीज वन अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास 8 मरला कमर्शियल अवेलेबल है जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। सिर्फ 4% पे करें, 40% अमाउंट पे करके रिमेनिंग 60% अमाउंट आपको इंस्टॉलमेंट में पे करनी होगी और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये ऑन ग्राउंड भी आएगा। इस एरिया में डेवलपमेंट भी ऑलरेडी ओवरसीज वन में स्टार्ट हो चुकी है, ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक भी इसको हम कहते हैं। फर्दर मूव ऑन करते हैं जी 8 मरला कमर्शियल के हवाले से ही, तो आपको जो सेंट्रल बुलेवार्ड है उसकी बैक साइड पे 8 मरला कमर्शियल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ओवरसीज सेंट्रल में आ जाते हैं जिसको हम ओवरसीज टू भी कहते हैं, वहां पे आपको कुछ ऑप्शंस कमर्शियल्स की देखने को मिलेंगी जो कि 350 मेन बुलेवार्ड जो है 350 मेन बुलेवार्ड है वहां पे देखने को मिलती है, उसकी बैक पे देखने को मिलती है। इसकी प्राइस की बात करें तो 1.74 लाख 50,000 एग्जेक्टिव की प्राइस टोटल रखी गई है, 1.79 लाख 50,000 ओवरसीज की प्राइस देखने को मिलती है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो था जी लाहौर स्मार्ट सिटी के कमर्शियल्स के हवाले से। फर्दर अगर आप किसी भी किस्म की बाइंग एंड सेलिंग करना चाह रहे हैं, आपकी क्यूरी है लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से, स्क्रीन पर दिए गए नंबर 0300-111-8904 पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।